तो ये देखिए, सुबह मैंने कुछ पैकिंग की थी जिसमें कि मुझे बैग भी आ गया। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज 5 तारीख है और 5 तारीख की 7 बज चुकी है ना। और मैंने 2 दिन से ब्लॉगिंग नहीं की, आज कर रही हूँ। 3 तारीख को भैया दूज वाले दिन बस मैंने ब्लॉगिंग की थी। उसके बाद जो मैं मार्केट जाके आई, उसके बाद मेरी और इलू की तबीयत बिगड़ गई। और मेरी तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी। कल भी पूरे दिन मैं बेड पर लेटी रही, थोड़ा बहुत काम किया और आज भी ऐसे ही रहा। कल तो 2 दिन से मैं इनको टिफ़िन भी नहीं दे पा रही हूँ, उठ ही नहीं पाती हूँ। फिर ये उठते हैं, अपना आटा लगाते हैं, परांठे बनाते हैं और अचार के साथ लेके चले जाते हैं। और इनको अंदाज़ा आटे का है नहीं, तो 2-1 रोटी का ही बचता है। तो एक मैं चूचू को बना के खिला देती हूँ, एक ईलू को परांठा नाश्ते में दे दे रही थी। और फिर जब भूख लग रही थी हम लोग को, तो फिर हमने कल भी मैगी खाई, खाना भी नहीं बना पा रही थी मैं। 3 दिन से कपड़े मशीन में पड़े थे, वो नहीं सुखा पा रही थी, तो मैंने कहा आज सुखाती हूँ। उठी मैं, वहाँ गई, वहीं पे बोल गई मेरी हालत। मैंने कहा इलू मैं तो यहीं पे गिर रही हूँ। तो झाड़ू वाड़ू फिर इलू ने सेट किया, इलू ने झाड़ू लगाई और फिर सांसें उठने लग गई मेरी। तो इसलिए 3 तारीख की शाम जब मैं मार्केट करके आई ना, उस दिन के बाद से मेरी ख़राब है। तो आज मैंने चाय ली और फिर मैंने गोली ली, तब जाके आज थोड़ा मैंने ठीक किया। फिर गाउन में थी, बाल तक मैंने 2 दिन से सुलझाए नहीं है, तो मैंने कहा कुर्ता डालती हूँ यार, थोड़ा सा काम पे लगती हूँ। खाना बनाना है, बर्तन थोड़े से रखे हैं, ये सोफ़ा बैक और मैंने सारे उतार दिए और बस अभी मैं पोछा लगाऊंगी। सुबह मैंने पोछा भी नहीं लगाया, तो अभी जब थोड़ा ठीक फील किया तो मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और उस और जो व्लॉग 1 तारीख का बना हुआ है, वो अभी जाके मैंने एडिट किया है इसमें, वो भैया के बर्थडे वाला, वो मे भी मैं कल डालूंगी। तो वो भी आज एडिट किया जाके, और अब मैं चेक करूँगी कि ठीक है कि नहीं। आज मैं पुराने वाले मोबाइल पे ही अभी मैं व्लॉग पे शूट कर रही हूँ। इस पर थोड़ी सी बैटरी, क्योंकि मैंने चार्ज ही नहीं किया। और अभी एक काम और आ गया है, तो उसकी बातचीत भी चल रही है, देखते हैं। इलू और ये बोल रहे हैं कर लो कर लो, तो 50 मिनट के करीब मुझे लाइव आना पड़ेगा, इसलिए देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। मैं तो इनको कह रही थी मना कर देते, बट इलू और ये कह रहे नहीं मम्मी कर लो। और ऐसा लग भी रहा है कि यार अभी बहुत खर्चा हो गया है, तो कर लूँ थोड़ा सा। अब मैं करती हूँ काम, झाड़ू मैंने लगा ली है, गाउन में थी तो वो तो मैंने शूट वूट नहीं किया। अब मैं पोछा लगाऊंगी और थोड़ा बर्तन करूँगी, खाना बनाऊँगी, उतने में इलू ट्यूशन से आ जाएगी, देखते क्या रहता है। चलो यार नॉर्मल व्लॉग आज से स्टार्ट करते, थोड़ा फिर शादी के व्लॉग देखने मिलेंगे। वहाँ पे मेरा क्या है, वीडियो जाता नहीं है क्योंकि मम्मी के वहाँ पे नेट की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मम्मी से मैंने बोला कि मम्मी जियो वाला लगवा लो, तो है ना मुझे आसानी हो जाए। तो मम्मी को तो समझ में नहीं पड़ा, क्योंकि क्षितिज भी गया हुआ है और क्षितिज अपने में बिजी है, नहीं रहता है। कॉल आया इनका, हेलो क्या है वो, पोचा हो गया है इलू के रूम और मंदिर में भी मैं लगा के आ गई हूँ। और अब बर्तन बाकी है, प्लस थोड़ा सा ये कांच साफ करूँ, थोड़ा सा वॉश बेसिन, वो पोचे का पानी गिरा दिया ना मैंने उसी में, तो इसलिए वो साफ करूँ। फिर ना मुझे इनके 2-1 शर्ट ऐसे धोने हैं, देखो मशीन लगा लो, उसके बाद भी कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हाथ से धोने होते हैं, तो वो 1-2 शर्ट इनके एक दूसरे के कलर लग जाएंगे, अभी नए हैं और ख़राब हो जाएंगे। तो फिर मैंने वो मशीन में नहीं डाले थे, तो वो डालूंगी, मतलब वो धोऊंगी और बर्तन करूंगी, खाना बनाऊंगी। खाने में इन्होंने बोला कि बैंगन रखे उनको ख़त्म करो,
और ये लू बैंगन खाती नहीं है इसलिए बन नहीं पाते हैं, तो देखते हैं क्या रहता है। फिर मुझे दो सब्जियां बनानी पड़ेगी, अभी मेरी दो सब्जी की हिम्मत नहीं होती है ना, इसलिए रोटी बेलने की भी नहीं होती है। लगा दिया है, अब ये भिंडी कट करने अंदर ही जाऊं यार, नहीं तो चक्कर आ रहे हैं। इनके शर्ट भी दो धोने हैं, मैं सोचूं कल धो दूं, क्या करूं, बैठ के काटती हूँ। टेबल में बैठूं कहाँ बैठूं, दो दिन से टिफिन में सब्जी नहीं ले जा रहे, ओनली खुद ही पराठा बना के ले जा रहे हैं ना। आ गई है और बस मेरी सब्जी बन गई, चूप चूप भी आ गई। अब वो आएगा सबसे पहले, उधर से खोलना। तो अब मैं क्या करूँगी कि बस ये सोफा बैक और पुराने वाले लगा देती हूँ, वो आज मैंने हटा दिए। सोचा था कि मैं बेड शीट नहीं लगा दूँ, ये चूप चूप बैठी होगी। अरे क्यों चूहा, चाहे तू मन ना, और पापा वो नाने भी आओ। How many days are left? अपने जाने में ना। क्यों? आज 5 है ना, 10 की सुबह निकले थे। अच्छा अभी ये सो गई, मैं बेडशीट कैसे बदलूं? है डोरिटोस तो नहीं? नहीं ये है नाचू, ये वो भूत जो लोग के वाले। अच्छा हमने पति देव के शर्ट धो देती, देखना इधर आंखें दिखा अपनी।
ये देखिए, सुबह मैंने कुछ पैकिंग की थी जिसमें कि मुझे बैग वैग लेने थे, बट अभी टाइम ही नहीं है ना ऑनलाइन आ सकते, क्योंकि मैंने क्या किया कि जो बैग होते हैं ना जितने भी, उनमें क्या है कि जो भी फालतू सामान होता है भर भर के ऊपर डाल दिया। तो अब देखो ये सारी एक जगह रख लिए, अभी भी इधर उधर से कुछ कुछ लेना है। तो ये सारे जूते चप्पल का एक बैग बनेगा, एक मेकअप का बनेगा, और एक में मैंने डाल दिए ईलू और मेरे, और जिसमें कि ईलू के पूरे नहीं है क्योंकि मैंने आज ईलू को टेलर के पास भेजा था, ये उसमें ब्लू वाली में इनके कर दिए क्योंकि इनके कम रहते, ऐसे वाले में ना बहुत कम कपड़े आते हैं, तो ऐसा बैग सही रहता है क्योंकि इसमें काफ़ी सामान आ जाता है। मैं सोचू 3-4 तो देखो बनेंगे ही बनेंगे। तो इलू बताओ क्या कहा टेलर ने? टेलर ने पहले तो मेरी ड्रेसेस ले ली, वो कह रहे थे कि हाँ कर देंगे, थोड़ा सा लुक भी कर देंगे है ना, और बाकी आपके वो दिखा तो रहा था, और उनके जो दो और हैं कोई असिस्टेंट टाइप सी, हाँ लेडीज हैं, हाँ दो लेडीज, तो वो कह रही थी कि हम आज ही आए हैं, अच्छा तो बस आपको परसों तक दे दें। परसों क्यों भाई, आज का बोला था तो? तो हमने डेट तो बता दी, मैं पैकिंग कैसे करूं? तो अरे वो 10 को क्यों कहा, तुम और 8 कहते तब वो करके देते, वरना वो करके ही नहीं देता है। तो वो कह रहे कि कल या परसों तक हो जाएगा कंपल। अच्छा, और तेरे कब तक देने को बोला है? मेरे तो दे देंगे कल या आज, मतलब बोल दिया चेन नहीं लगानी है, वो चेन का तो बोला ही, वो चेन लगा देगा फिर इधर साइड में, वो चुभती है यार मेरे भी एक, उसमें उसने ऐसे ही कर दिया। कॉल करके अभी जाके बोल देती। 9 बज गए, अब तो बंद कर दियो क्या पता। चलो जैसे ही कपड़े पूरे होंगे तो फिर मैं पैक करूंगी, और उस अभी मेकअप का भी दिखाती हूँ सुबह मैंने क्या क्या पैक किया। तो ये है हमारा 80% होगा मे बी मेकअप का सामान, जिसमें कि ये जूड़ा पिन है, गजरे हैं, जो भी सेट वेट लाए, जो भी पुराने हैं वो भी डाल लिए ऐसे करके, इयर रिंग्स और चूड़ियाँ। एक मिनट, ये देखो ये पुराने वाले सेट वगैरह हैं, ये मेरा चूड़ा रेड वाला, ये सारी चूड़ियाँ जो मैचिंग की हैं, और इसमें बहुत सारे सेट हैं है ना गले के, और इसमें भी अभी जो नए लेके सिल्वर एक में कर दिए, गोल्डन इसमें कर दिए ऐसे करके। अभी ये 80% है, अभी फाउंडेशन वगैरह ना और सब डालना है, एक इससे थोड़ा सा बड़ा और बनेगा जिसमें कि क्लचर वगैरह सब डालेंगे तो वो होगा। ये देखिए ये मेकअप का सामान ना सारा इकट्ठा कर लिया, अभी ये फाइनल पैकिंग नहीं है, बट क्या क्या ले जाना है देखो, इतना सारा लेके जाना है ना, तो ये सारा पैक कर लिया है। ये चूड़ा भी मेरी रेड वाली साड़ी में चली जाएगा क्योंकि अभी मेरी रेड चूड़ियाँ नहीं आई हैं, और ये देखिए ये चूड़ियाँ कुछ जो मैचिंग की हैं वो डाल ली हैं, इसमें जो है पूरे गोल्डन वाले जो भी है नेकलेस है, और इसमें सिल्वर वाले, अब इसमें नए पुराने सब कुछ है, जिसमें कि कमर बंद है सब कुछ है, ये बालों के लिए ऐसे करके सब कुछ है, और इसमें सारे सिल्वर वाले हैं, तो ये सारे जैसे कि टियारा वगैरह हो गए ना तो वो ठीक है, और इसमें सारे मैंने काजल और कोई ब्रशेज और डालनी है, अभी सेफ्टी पिन हो गई और ऐसे, और ये सारा मेकअप का हो गया जिसमें कि दो फाउंडेशन है, मैं न्यूड वाला लगाती हूँ, वो इलू ये वाला लगाती है, ये देखो ये शेड, और जिसमें कि ये रोज़ पाउडर हो गया, ये एलोवेरा जेल हो गया, ये पॉकेट वाले ही परफ्यूम डालने, इतने बड़े बड़े लेने से कोई मतलब नहीं, ये हो गया हाइलाइटर और ये आई शेडो वगैरह, नेल पेंट सिर्फ 3 डाली हैं कि रेड और इसके कॉम, ये सब में चल जाएंगी, ये सारी बिंदियाँ हो गई, ये हेयर सीरम हो गया, ये वेट वाइप्स हो गए, और इसमें सारी लिपस्टिक मैंने डाल दी, इसमें सारे ये रबड़ वगैरह हैं, ये जो क्लचर वगैरह हैं आईब्रो वाला है ना ऐसे करके, ये जो नोज़ पिन वगैरह हैं ये ऐसे डाल दिए। तो अभी तक इतना हुआ, अब इनको क्या करना है, मुझे करना ये है कि अभी जो भी ड्रेसेस है ना वो साड़ी के कवर में डलेंगी, उस साड़ी के कवर में जिस ड्रेस में जो पीस पहनना है ना वो उसमें डल जाएगा, तो ताकि ढूंढने में भी आसानी रहेगी, तो इस तरीके की करनी है। लेकिन एक बार मैंने सारा इकट्ठा कर लिया कि ये हमें लेके, ये मेरे पास आती जाती है, ये मालिश करवाने के लिए आती है, ये मालिश करवाने के लिए आता है, ये चाचा मालिश करवाता है। ये देखो ये पास में लाती है ऐसे कि करो मेरे, अभी तो ये सुस्तूड़ी पड़ी है, तो यूं 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 हाथ से करती है कुचू कुचू। हम दोनों का फेस सेम है ना,
बस फोरहेड बड़ा है। रोज कह देती है। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसकी बहुत टेक केयर करती हूँ। सारी टेक केयर तो मैं करती हूँ। खाना हमारा बन गया, रोटियाँ सिक गई और ये लेके आए हैं साथ में मोमोज और गोलगप्पे थोड़े से।